इन्होंने पूछा है, शख्स फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि उनके वसीले से जन्नतुल फिरदौस बनी है, क्या ये शिर्क तो नहीं होगा? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जन्नत बनी है ये कहना गलत होगा। इसी की जन्नत और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के वसीले से नहीं बनाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बहुत बाद में रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा किया गया, उनको जन्नत में ठहराया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया, उनको जन्नत में ठहराया गया। तो अगर आप ये समझते हैं कि जन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है या उनके वसीले से बनाई गई है, तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई, उसमें ठहराया गया, हुआ इस्लाम को उसमें रखा गया, तो ये सोचना या ये अकीदा रखना ही गलत है। और इस तरह की कोई हदीस नहीं मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जन्नत या दुनिया बनाई गई है। और इस सिलसिले में आमतौर पर जो हदीस पेश की जाती है वो मनगढ़ंत हदीस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब की गई कि लौला कमा खलक़तुल अख़लाक़, कि अगर आप नहीं होते तो मैं दुनिया ही को पैदा नहीं करता। तो ये मनगढ़ंत हदीस है जो गढ़ कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फैलाई गई है। तो ऐसी कोई हदीस नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फिरदौस बनी हुई है। अगर हम ये अकीदा रखते हैं तो एक बिदअती अकीदा रखते हैं, शिर्क तो नहीं होगा लेकिन एक बिदअती अकीदा रखेंगे और दीन में ऐसी बात को शामिल कर रहे हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल बरी है। एक गैब की हम बात अल्लाह की जानिब मंसूब करते हैं कि अल्लाह ने जन्नत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बनाई और कुरान के अंदर मना किया गया, वाला तख हमारे सर का भेद, जिसका इल्म नहीं है उसको तुम ना बयान करो, उसमें खामोशी अख्तियार करो। तो अल्लाह तआला ने सारी कायनात को पैदा किया, जन्नत को भी पैदा किया है मोमिनों के लिए, जहन्नम को भी पैदा किया है काफिरों के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी ऐसी ही हैं कि अल्लाह तआला ने जन्नत के लिए मखलूक पैदा की है और जहन्नम के लिए मखलूक पैदा की है, हर किसी को उसका ठिकाना जन्नत और जहन्नम में मिलेगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैर।